मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे के कोरम मॉल में मध्यरात्रि एक तेंदुआ घुस गया। ये तेंदुआ सत्कार होटल के बेसमेंट और कोरम मॉल के पार्किंग एरिया में सुबह 5:30 बजे घूमता हुआ दिखाई दिया। हैरानी होती है, जंगल में घूमने वाला तेंदुआ ठाणे के मॉल में घूम रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई और उस जगह की घेराबंदी की गई। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ भटक कर मॉल के अंदर आ गया है। आप CCTV फुटेज में तेंदुओं को घूमते हुए देख सकते हैं। बिबट्या येऊरच्या जंगलातून आणि किंवा नॅशनल पार्कच्या इथून आलेला आहे। जंगलातून पहिला तो कोरम मॉलच्या लॉबीमध्ये दिसला होता, नंतर कॅडबरी कंपनीच्या मागच्या मोकळ्या जागेत दिसला होता। अशात आता सत्कार हॉटेल वर्तकनगरच्या आधी सत्कार हॉटेल आहे, त्याच्या लॉबीमध्ये तो लोकेट झालेला आहे। चारही बाजूने त्याला अडवण्यात फॉरेस्ट खात्याला यश आलेलं आहे। रेस्क्यू टीम बोरिवली नॅशनल पार्कचे आलेले, लवकरच आपला तो जेरबंद करण्यात येईल। वन अधिकाऱ्यांबरोबर बोलला, त्यांना भेटल्यात काय त्यांनी सांगितलं? बिबट्या लोकेट झालेला आहे सत्कार हॉटेलमध्ये सर। आणि सर CCTV देखील मिळालेला आहे, नेमका कुठला आहे तो? सर एक कोरम मॉलचा आहे, कॅडबरी मिल्क कॅडबरी कंपनी आहे त्याच्या मागचा भागच आहे। सत्कार हॉटेलमध्ये त्याला जेरबंद करण्यात आलेलं, म्हणजे चारही बाजूने त्याला अडवण्यात आलेलं आहे, अडथळे लावण्यात आलेले आहे। लवकरच त्याला डाट मारून जेरबंद करून त्याला जंगलात सोडलं आहे। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सावधानी के साथ इस तेंदुए को 11:10 पर पकड़ लिया गया और 11:50 पर इसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया। शुक्र है तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया और वन विभाग ने बड़ी ही चालाकी से इस तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हुई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।